जो रेंट होगा एक दिन का स्टे का, गेस कर सकते हो कितना होगा? सर जी, एक दिन का स्टे का कितना है? एक दिन का इसका है लेके 12 लाख तक रूम है इसके अंदर। अच्छा, पैलेस के अंदर 12 लाख। 12 लाख बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले। तो अभी हम लोग आ चुके हैं गेटवे ऑफ पैलेस और आज हम लोग स्टे करने वाले हैं मुंबई के आइकॉनिक लग्जरियस होटल ताज होटल में। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो इस तरफ है मेरे ताज होटल और अभी हमारा रूम इधर ही बुक है। हमारा अभी रूम बुक है तो हम जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे, अंदर स्टे करेंगे आज पूरा ताज होटल में। ठीक है, इतना आइकॉनिक होटल है, 26/11 का जो था यही होटल है। ठीक है, और मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आज तक मैं ना बाहर से दिख रहा हूँ, आज हम अंदर भी जा रहे हैं। ठीक है, चलो ओके। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं, मनीष भी इधर व्लॉगिंग कर रहा है, मैं भी, और ये है ताज होटल की लिफ्ट। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हैं, ये लिफ्ट है। अभी हम अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, उमेश सर हमारे साथ है। ठीक, ये देखो, कह दो ना हमें आज तो, दे दो ना एक बात तो छेड़ो ना। अभी देखो हम लोग ने कर लिया है रूम में एंट्री। ठीक है, और ये है हमारा लग्जरी हॉल। गेस करो गाइस कितना होगा इसका जो रेंट होगा एक दिन का स्टे का, गेस कर सकते हो कितना होगा? सर जी, एक दिन का स्टे का कितना है? एक दिन का इसका है 40,000 रुपए। हाँ जी, तो मेरा इन्होंने पुराना रिकॉर्ड देख के, पहले जैसे अपना ताजमहल टावर में करता था स्टे, तो इस बार इन्होंने, इस बार मेरा सेकंड स्टे है, एक बार किया था मैं, तो उसमें कुछ 42,000 था। ओके, तो इसका है कुछ 40,000, 40,000 है इसका 24 आवर्स का या 12 आवर्स का। ऊपर फैन भी इसमें, एसी भी है। ओके, और बाथ टब है। हाँ, और बाथ टब वाला अगर बाजूल भी लेते हैं ताजमहल टावर में। हाँ जी, तो वो है 50,000, 50,000। हाँ, अच्छा, और इसमें बाहर गेट ऑफ इंडिया भी नजर आएगा। ओए होए, क्या बात कर रहे हो, गेट वे ऑफ इंडिया। ठीक, और ये देख सकते हो कुछ इधर रखा हुआ है। ठीक है, अपने इंडियन स्नैक्स हो गए। ये देखिए, ये है ताजमहल टावर। अच्छा, हाँ, इसमें लास्ट मतलब स्टार्टिंग है कुछ 20,000 से। हाँ? और लास्ट है 50,000, 50,000 तक। अच्छा, और इसमें है अपना 33,000 से लेके 12 लाख तक रूम है इसके अंदर। अच्छा, पैलेस के अंदर 12 लाख। 12 लाख एक दिन का? 12 लाख एक दिन का। 12 लाख उसका है, नाम है टाटा स्पीड। अच्छा, इसका 12 लाख है। ओके, और सामने गेट ऑफ इंडिया है। ओए हो, ये आप लोग देख सकते हो, ये है अपना आइकॉनिक गेट ऑफ इंडिया। लॉबी का, लॉबी के ऊपर रेस्टोरेंट है। हाँ जी, यहाँ मतलब काजल अग्रवाल की शादी हुई थी, नीचे शादी का हॉल है पहले से। अच्छा, ये काजल अग्रवाल जो मैम है उनकी शादी कोविड में जो हुई थी यहाँ पर। ओके, इसका भाड़ा कुछ 18 लाख रुपए भाड़ा है। 18 लाख रुपए एक शादी का भाड़ा? शादी का मतलब हॉल का, जिसमें लोग, रेस्टोरेंट भी है ये भी, उसी में मतलब उसी के साथ ही है। हाँ, मतलब हॉल और रेस्टोरेंट दोनों। ओके, वेरी नाइस। काफी नज़ारा अच्छा है यहाँ का। बिल्कुल यार, मैं आपको बताऊँ ना, बाहर इतनी गर्मी हो रही थी, हम लोग एकदम एग्जॉस्टेड हो गए, इधर आके काफी ठंडा लग रहा है। ठीक है, और ये देख सकते हो हमारे सर तो फुल एंजॉय करते हैं बाथरूम में। ठीक है, ये ऐसे हम ताजमहल पैलेस मुंबई। ओहो, और अभी इन्होंने आरती भी की है। अरे वाह, ये की है इसकी, होटल की दिखा दीजिए। अरे वाह, क्या बात है, ये रूम नंबर है। ओके, ये रूम नंबर आप देख सकते हो, कार्ड मिलता है ताजमहल में, आपको एंट्री करना है ना तो आपको ऐसा कार्ड मिला है, ये कार्ड को आप इंसर्ट करके कुछ आपका जो रूम है वो अनलॉक होगा। ठीक है, और भाई ये आप लोग देख सकते हो यार, अति सुंदर, बोले तो अति सुंदर। ठीक है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मनीष फुल टेंशन में आ गया। ठीक है, ये बात तो है ना भाई, मैं तो बोल रहा हूँ मनीष एक बार इधर रह के तो जाएंगे। हाँ, जरूर, मैं तो बोलता हूँ इधर ही रहते हैं भाई आज के। ये हम इधर ही स्टे कर रहे थे गाइस ताज होटल में, और भाई सेम दिख रहे हैं, ये देख सकते हो, आज अपना वीडियो तो बन गया। जरूर लोग ना, आज हम लोग रील बनाने वाले। बिल्कुल ठीक है, क्या बात है यार, क्या बात है। ये जकूसी होता है सर इधर? जकूसी इसमें नहीं है, जकूसी है नीचे, है पूल के पास में, स्विमिंग पूल के पास। और ये अपना बाथटब है, ये मेरा शावर है। हाँ जी, और ये पैलेस में, ये सब जितने भी रूम है पैलेस में, इसके अंदर बाथटब है। हाँ जी, टावर में बाथटब नहीं है। ओके, टावर में लास्ट जो स्वीट है 50,000। हाँ, उसी में मतलब बाथटब है। ओके, हाँ, इसमें तो मोस्टली सब रूम में बाथटब है। अच्छा, और यार मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं सर को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ। क्यों उमेश भाई, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों? मनीष सोच रहा है क्यों, 100 सेंचुरी हो चुकी है सर की। ठीक है, सेंचुरी हो चुकी है, 100 बार मेरा मतलब ताज होटल में। अरे वाह वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बात है,
क्या बात है, देख रहे हो कितनी शुभ घड़ी पे हम दोनों आए हैं। मुझे अच्छा लगा और अभी मैं थोड़ा जल्दी में कुछ गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा, तो आप बनाइए अंदर और दिखा दीजिए सब अंदर बाहर। जरूर जरूर, ठीक है। फ्रिज में जी और ये पुरानी हिस्ट्री है, मतलब फैन वगैरह ये लगा हुआ है। अच्छा, ये हिस्टोरिक फैन है। दोनों एसी भी साइड में देखिए। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। और भी ऐसे रूम है, मैगी रूम, जिसमें मतलब कि फैन चालू करोगे तो बाथरूम का गेट खुलेगा, ऐसा कुछ है। अच्छा, कई सारी खासियत है जो इसके अंदर भी नहीं है। हाँ जी, इसका प्राइस 40,000 है। अच्छा, स्टार्टिंग 40,000 के। ओके, और जो 12 लाख का रूम है उसमें काफी एरिया बड़ा है और काफी फैसिलिटी उसके अंदर। ओके, तो आगे कुछ लगेगी लॉटरी तो 12 लाख वाले। जरूर जरूर सर, जरूर बनाना, जरूर बिल्कुल होगा, जल्दी होगा। हाँ जी, बढ़िया। 40,000 भी तो भाई काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। इसका भी एरिया काफी बड़ा है। हाँ जी, और बाहर का जो नजारा है, कुछ पूल साइड वाले भी हैं। जी जी, वो शायद 33,000 है। अच्छा, यही सब है। ओके, मुझे यहाँ अच्छा लगता है, ताजमहल टावर और पैलेस। हाँ जी, और बाकी होटलों में गया था मैं, लेकिन इतना फील नहीं आता जो फील ताज का है। हाँ, वो और इंडिया का पहला 5-स्टार है। ओके, 1903 में रेडी हुआ। हाँ जी, और अपना जो गेट ऑफ इंडिया है वो 1924 में रेडी हुआ। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि पहले गेट ऑफ इंडिया बना, फिर ताज बना। हाँ, पहले हाँ। ताज बना, उसके बाद गेट ऑफ इंडिया बना। और ये जो ताज पैलेस है ये तो अभी रेडी हुए है ना? नहीं, ताज पैलेस 1903 में बना था, जो बिल्डिंग है टावर, ताजमहल। हाँ, टावर, हाँ, टावर टावर वो अपना वो 75 में। अच्छा, तो वो बाद में बना था। हाँ, वो बाद। ओके, उसको काफी टाइम। हाँ जी, लेकिन पूरे वर्ल्ड में 250 ताज है। हाँ जी, ये समझो कि इसी के बच्चे हैं ये, मतलब पूरा जो पैलेस है ना। हाँ, इसी ये ग्रैंड फादर है, इसके सारे बच्चे हैं। ओहो, क्या बात है, वेरी नाइस। हमारे टाटा रतन टाटा जी, उनका एक होटल है। बिल्कुल, और पूरे वर्ल्ड में 250 और इसमें, हाँ, इसमें जो रूम है 285 रूम है। 285 इसके अंदर। अच्छा, इंग्लिश में माने तो 285 रूम्स है। ठीक है, रूम्स है। हाँ जी, और जिसमें, हाँ, जो रतन टाटा जी हैं वो 60% दान देते हैं और 40% दान देते हैं, 60% में सब होटल चल रहे हैं। ओके, फिर भी आज भी घाटे में चल रहा है होटल इतना। अच्छा, मतलब दान देते हैं, उनका ट्रस्ट है, टाटा ट्रस्ट जी, जिसका ऑफिस है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। हाँ जी, तो वहाँ का भी नजर आपको दिखाएंगे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। जरूर जरूर, वहाँ भी मेरे जाना होता है तो। अच्छा, ले चलूंगा। बिल्कुल सर, ठीक है। और भी कुछ ऑफिस है तो US क्लब जहाँ काफी और अच्छी अच्छी चीज जो रतन टाटा से जुड़ी हुई है। हाँ जी, वो आपको बताएंगे। जरूर सर, ठीक है। आज के लिए इतना नहीं, अभी और हम करेंगे और आगे बना दी थी। बाहर का भी आप दिखा दीजिए ना, जाए बाहर से भी आप लेके पूरा गेट ऑफ इंडिया का पूरा। अभी आप कहाँ थे तो वो भी वहाँ से दिखाई देगा। बिल्कुल, ठीक है, चलिए। हाँ जी, थैंक यू। का टूर देने वाला हूँ, हमारा रूम टूर। तो ये अभी देखो हम ओपन करते, तो इसमें तो फिलहाल कुछ है नहीं, बट ये ऐसा कुछ भी आपका जो सामान है ना आप इधर रख सकते हो, उसके लिए दिया। फिर ये अभी हम ओपन करके देखते, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, अगर आपका कुछ भी कीमती सामान है तो वो आप इधर रख सकते हो, ठीक है। और ऐसा कुछ मतलब पूरा कबोर्ड दिया है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन भी किया गया। ये देख सकते हो, ये है बाथरूम, ठीक है, बाथरूम है। और ये आप लोग देख सकते हो पूरा वार्डरूम इधर है, इधर आयरन के लिए भी आपको दिया गया है, ठीक है। और अभी मैं इसे क्लोज कर दूँ, और साथ में ये आप लोग देख सकते हो चाय के लिए आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री टी मिलती है, क्यों सर? हाँ, कॉफी भी है और टी भी है, दोनों है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री वैसे टी का है 500 रुपये, कॉफी 700 रुपये की। ओके, अलग तरह की कॉफियां आती हैं। हाँ जी, 1500, 2000, 2500। जी जी, एंड ये क्या है सर, स्कैन का? ये मेन्यू कार्ड है। ओके, ये जैसे आप स्कैन करोगे तो पूरा मेन्यू आ जाएगा। और ये आप देख सकते हो, ये एक टीवी दी गई है सैमसंग की, और उसके नीचे रूम की जो हाइट है ये काफी ऊंची है, जो पैलेस में। हाँ, जो हाइट काफी ऊंची है, काफी ऊंची, जो टावर में नहीं है। ओके, और बाकी ताजो में नहीं इतनी हाइट, जो जैसे पैलेस में है। जी जी, नीचे से जो ऊपर की हाइट है ना। हाँ जी, बहुत ज्यादा है। ओके, पुराने जमाने का है ना। हाँ हाँ, मतलब काफी ज्यादा विंटेज लुक भी आ रहा है, क्यों? ये जो एरिया देख के ना काफी विंटेज लुक आ रहा है। और भाई हम लोग तो फुल एंजॉय कर रहे हैं, और ये आप लोग देख सकते हो प्रॉपरली इधर जो इक्विपमेंट्स हो गया, कभी थोड़ा बहुत पार्टी वीटी का भी सामान इधर दिया गया है, ठीक है। और ये देख सकते हो, इधर बैठ के आप अपना जो भी काम है वो कर सकते हो, साथ में कुछ फ्रूट्स दिए गए हैं। और ये आप लोग देख सकते हो, ये चेयर है, ठीक है, ये चेयर पे अपन बैठ के देखते हैं, आए हाय काफी ज्यादा रिलैक्सिंग है। और मैं तो एक्साइटेड हूँ गाइस, ठीक है, और मैं तो एक्साइटेड हूँ गाइस। ये देखो यार, जम नहीं किए ना तो जब तक बेड का टच नहीं होता है तो इसकी जो है ना सर, बिल्कुल कीजिए कीजिए। तो चलो 3-2-1 गो। यार मजा आ गया भाई, मजा। ये आप लोग देख सकते हो, ये है हमारा लग्जरी
बाथरूम, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, इस तरफ ये आप लोग देख सकते हो इतना बड़ा, तो ये इतना बड़ा इसमें बीसी नहीं दिया गया है एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, आप काफ़ी अच्छे से खुद को देख सकते हो, ठीक है। एंड बाकी मैं आपको बताऊँ, ये है शावर रूम, ठीक है। इसके अंदर भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड ये बाथ टब तक इसमें दिया गया है, ठीक है दोस्तों। सो दैट्स इट, अभी हम चलते हैं बाहर की ओर और आपको मैं इधर से जो आउटसाइड का व्यू है ना गाइस, वो भी दिखाता हूँ। अगर आपको एकदम ही गेटवे ऑफ इंडिया फेसिंग चाहिए ना, तो उसके लिए 55,000 रुपये रेंट है और ये है हमारा 40,000 वाला। सो इसमें भी है व्यू, बट व्यू कुछ ऐसा है, ठीक है। वो देख सकते हो, उधर दिख रहा है हमें ताज होटल भी एंड सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। काफ़ी मज़ा आ रही है, काफ़ी हवाएं आ रही है और क्या ही बोलूँ यार। ये देख सकते हो भाई, मेरा दोस्त मनीष फुल एंजॉय कर रहा है, यहाँ इसका व्लॉग भी चल रहा है, ठीक है। एक सकते हो भाई की खुशी देखो, मजा ही करना है और क्या, अभी 12 का एग्जाम खत्म हो रहा है तो मजे तो करने पड़ेंगे ना। सही है भाई। ये देख सकते हो कुछ अपने इंडियन स्नैक्स रखे हुए, ठीक है, टाइम पास के लिए एंड काफ़ी सही है यार, काफ़ी ज़्यादा सही है और बहुत ज़्यादा इसका विंटेज लुक आ रहा है ये रूम का, काफ़ी प्यारा है यार, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा पीसफुल है, ठीक है। ओके सो दोस्तों, अभी हम लोग रूम में आए, ठीक है, और ये हमारे पाजी है, ठीक है। सत श्री अकाल पाजी, पहले तो सबसे पहले आप सभी को सत श्री अकाल, क्या बात है। सत श्री अकाल पाजी, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया जी, चंगी जी, क्या बात है यार। और अभी सर से हमें ना थोड़ा सा Q&A करते हैं ना, क्वेश्चन है ना सर, और मैं जान रहा हूँ यार सर तो हमारे लंदन से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, क्यों? यस, लंदन से आए, मेरे ब्रदर हैं। अच्छा, आपके ब्रदर। एंड सर कैसा लग रहा है आपको ताज होटल में एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। हाँ जी, क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत नाम सुना हुआ था ताज का, आज आए हैं, देखेंगे, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। हाँ जी, तो इन्हीं की सारी सारी जैसे प्रताप इन्हीं का ही है, और ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमें ताज रहने के लिए बोला था। हाँ जी, तो स्टे करने के लिए थोड़ी सी कोशिश करी और गुरु महाराज की कृपा से बहुत बढ़िया सब कुछ अच्छा हो गया। क्या बात है, बाकी क्वेश्चन से करिए, उनसे बात करिए। जी जी, बहुत अच्छा, सारा कुछ ठीक है, ओवरऑल वेरी गुड, रूम इज गुड एंड सर्विस इज वेरी गुड जी। सो ये जो हमारे इंग्लैंड में होटल रहते हैं, जैसे हमारे फॉरेन के होटल हो गए, ठीक है, सो उन होटल्स को, उन रेस्टोरेंट्स को ये टक्कर दे सकता है हमारा ताज? देखिए, हर एक चीज की अपनी एक बात होती है, बिल्कुल, वो भी होटल सही है, लेकिन ताज मतलब ताज, ताज को तो सभी जानते हैं। अगर ताज ताज है, क्यों? आप दुनिया में कहीं भी खड़े होकर बोलोगे कि ताज होटल, तो सभी को पता है ताज होटल, बिल्कुल, तो फेमस है। हाँ जी, बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स सब यहाँ पर आते हैं खाने के लिए, क्योंकि इनकी सर्विस अच्छी है, बहुत खूबसूरत होटल है, बहुत एवरीथिंग इज गुड। जी जी। एंड सर आप थोड़ा टूर दे सकते हो, आपने गेटवे ऑफ इंडिया देखा सर? गेट ऑफ इंडिया, अब हाँ जी, हाँ जी, देखा है, आते वक्त देखा होगा आपने। अगर आपको देखना है सर, इधर गैलरी से भी हमारा थोड़ा दिखता है। अच्छा, तो हाँ जी आइए ना। अच्छा, प्लीज। जी जी, हाँ जी, चलिए चलिए, ये देख सकते हो, ठीक है गाइस, दिख रहा है सर ये आपको? हाँ जी, क्या बात है, बहुत अच्छा, ये तो अच्छा हुआ सर, सामने है। जी जी, एंड जो एक्ट्रेस थी ना जिनका इधर वेडिंग हुआ था, सो ये आप देख सकते हो, इधर वेडिंग हुआ था। अभी मुझे कुछ उमेश सर ने बताया तो 18 लाख रुपए उसका एक दिन का भाड़ा था कुछ इधर। हाँ जी, इधर तो पूरा शादी का मंडप विंडप भी हमारा जो रहता है वो भी इधर नीचे, और ये अपना कैफे एंड रेस्टोरेंट हो गया उधर। जी जी सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, देखिए बहुत अच्छा व्यू, देखिए बहुत प्यारा व्यू है। एक ही सर है ना, इतना अपन थक गए पूरी इंग्लैंड की, आपकी जो थकान होती होगी प्लेन से आने जाने का, जो भी हो आपका, इधर आके आप एकदम तरोताजा हो गए, एकदम तरोताजा हो गए हैं, अंदर आते साथ ही देखा है, बहुत अच्छी सर्विस है, और अंदर आते हुए रूम्स कंडीशन आपके सामने है, जी वगैरह बहुत अच्छा है, तो अभी आप टायर्ड है, थके हुए हैं जी, अब आके आराम करेंगे अंदर। जरूर जरूर सर, सर को भी अभी हम ज्यादा थक नहीं करेंगे, ठीक है। प्लेजर, माय प्लेजर। रेहान, चमक रहा है लाला। भाई तू ना कराटे सीखने आया, सही लगा, सही बोल रहा था। बाकी बताओ आपका भाई कैसे दिख रहा है? हम तो भाई फुल एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, अभी चेंज करने दो यार। मेरी क्लिप्स भाई सारी मैं भेज दी हूं। हम लोग निकले हैं ताज होटल से, ठीक है, कुछ बाहर खाएंगे पिएंगे।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। देखो मुझे घर निकलना पड़ा, मेरी मम्मी के बार बार कॉल आ रहे थे, ट्यूशन का टाइम हो रहा था, हमारे एग्जाम आ रहे ना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।